जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। मेरे साथ में रायपुर शहर युवा मोर्चा के अध्यक्ष ऊर्जावान जुझारू श्री राजेश पांडे जी हैं। बहुत ही जमीनी स्तर पे आप देख सकते हैं कि जमीन से जुड़े हुए अगर कोई होता है युवा मोर्चा में तो राजेश पांडे जी का है। क्या लगता है राजेश भाई कि आपके ये युवा मोर्चा का कार्यकाल कितने समय का हो गया? 2 साल हो गया है क्या? 2016 में मैं जिलाध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति हुई और लगभग 3 साल से ऊपर हम लोग 3.5 वर्ष के लगभग हमारा कार्यकाल हो गया और लगातार युवा मोर्चा की टीम पूरे शहर में मंडल स्तर पर वार्ड स्तर पर पूरी सक्रियता से काम कर रही है। एक ओर जहां हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार जो जन विरोधी काम कर रही है, जो इनकी वादा खिलाफी, उसको भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है अभी रायपुर नगरीय निकाय, पूरे प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी? मेरे को क्या लगता है कि युवा मोर्चा को कितनी टिकट मिलना चाहिए? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर युवाओं में विशेष रूप से बहुत ऊर्जा है और बहुत ही उम्मीद और आशा के साथ नौजवान देख रहा है कि नगर निगम का जो चुनाव होता है सबसे निचली इकाई होती है निर्वाचन प्रक्रिया में नगर निगम की, और पार्षद ग्रुप में हर युवा चाहता है कि उसे अवसर मिले और वो पार्षद ग्रुप में अपने वार्ड के विकास को, समग्र विकास के अवधारणा को साकार कर अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में, समस्या मुक्त वार्ड के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो। इस दृष्टि से नौजवान बड़ी संख्या में अपना बायोडाटा लेकर, अपनी डिटेल लेकर आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और वो यही आह्वान कर रहे हैं कि पार्टी हमको इस चुनाव में अवसर दे, और वो ये साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी हमें अवसर देती तो निश्चित रूप से हम अच्छे से काम करके पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करें। कितनी टिकट मिलने की उम्मीद लगती है आपको युवा मोर्चा की तरफ से कोटा में? देखिए, युवा से तो कोई कोटा पार्टी में होता नहीं, फिर भी युवा होने के नाते और जिस तरह से युवाओं का बड़े संख्या में बायोडाटा मिल रहा है और वो अपनी इच्छा जता रहे हैं, मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से अपेक्षा करता हूं कि उनका आशीर्वाद मिलेगा और कम से कम 50% नौजवानों को रायपुर नगर निगम के चुनाव में अवसर मिलेगा और युवा मोर्चा के साथ ही चुनाव जीतकर युवा तरुणाई नगर निगम में भी अपने कार्यों के माध्यम से विशिष्ट पहचान बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने इसके लिए। मेरे साथ में निशा द्विवेदी जी, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।